हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। बच्चों, इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप कहोगे तो ये है रेजिडेंशियल स्टेटस। क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स किसी भी असेसे के इनकम को कंप्यूट करने से पहले कहता है कि भैया उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर लिया जाए। फॉर द प्रीवियस ईयर उसका क्या चेक कर लिया जाए? रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर लिया जाए। बच्चों, इनकम टैक्स किसी भी असेसे का जो कंप्यूटेशन होता है इनकम टैक्स पे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका कंप्यूटेशन तब तक नहीं करने देता जब तक वो ये ना कह दे कि भैया आप सबसे पहले इसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करो फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है ना बच्चों? एवरी असेसे को इनकम टैक्स पे करने से पहले या कंप्यूटेशन करने से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है। ठीक है ना? तो इनकम टैक्स सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करता है। तो आज हम लोग अपना यही चैप्टर करने वाले हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस, जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करते हैं उसके लिए कंडीशन क्या है, क्यों करते हैं। तो बच्चों, क्यों करते हैं? उसका रीजन यह है कि इनकम टैक्स कहता है हम तभी आपकी टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे जब आपका स्टेटस पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर के लिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं आज अपना रेजिडेंशियल स्टेटस वाला टॉपिक। बच्चों, इसमें हम लोग जो चेक करते हैं किसी भी असेसी का या पर्सन का, ठीक है ना, तो मैं बात कर रहा हूं पर्सन की। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पर्सन की। तो पर्सन की कैटेगरी मैंने आप लोगों को बता दी थी, आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि पर्सन हमारे कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा ये, ठीक है ना? आप लोगों को पता है कि हमारे पर्सन कितने टाइप के होते हैं। तो एवरी पर्सन पे, ठीक है, जो भी 7 कैटेगरी के पर्सन है हमारे, सब पे ये स्टेटस हम चेक करते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर के लिए उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और हम उसके अकॉर्डिंग टैक्स लेते हैं। तो इसका बच्चों जो कंडीशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप से बिल्कुल अलग अलग है। चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, ठीक है ना? 3 इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं कि जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहली बात देखो क्या है, कह रहा है बच्चों रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर द प्रीवियस ईयर, वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ओनली। हम जो रेजिडेंशियल, ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि जो आप रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं वो प्रीवियस ईयर का क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम पे ही टैक्स लेना होता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है इनकम टैक्स, ठीक है ना? सेकेंड बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर द एवरी प्रीवियस ईयर बिकॉज इट मे चेंज फ्रॉम द ईयर टू ईयर। बच्चों, जो आपका सेकेंड पॉइंट है ये कह रहा है कि जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस होता है ना, इसे एवरी ईयर डिटरमाइन किया जाता है क्योंकि ये एवरी ईयर चेंज होता रहता है, ठीक है ना? तो हम हर एवरी प्रीवियस ईयर में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करेंगे। बच्चों, थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री आर सेपरेट कॉन्सेप्ट। बच्चों, आपका सिटीजनशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है और रेजिडेंशियल स्टेटस जो आपका फाइंड आउट करते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है सेम कंट्री का, ठीक है ना? तो बच्चों, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें, ये जो 3 इंपॉर्टेंट मैंने बातें कही हैं, सबसे पहले आप लोगों को इसे ध्यान से समझना है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों कि स्टेटस क्यों फाइंड किया जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को पता चल गई कि रेजिडेंशियल स्टेटस पहली जो हमारा है, हम उसको ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले चेक करेंगे जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एवरी ईयर चेक करेंगे, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर के लिए चेक करते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए। पहली बात क्या थी? सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए चेक करेंगे, एवरी ईयर चेक करेंगे और ये सिटीजनशिप से बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? सर, हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बच्चों, हमारे पास जो कैटेगरी है वो ये कैटेगरी है। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये कैटेगरी है कि जो आप स्टेटस फाइंड आउट करोगे तो वो पर्सन या तो रेजिडेंट होगा, ठीक है, इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा प्रीवियस ईयर के लिए, या नॉन रेजिडेंट माना जाएगा।
सर हम ये किस बेस पे डिसाइड करेंगे? बच्चों अभी बताऊंगा ना मैं कंडीशन, ध्यान से समझो। सबसे पहले जब हम स्टेटस चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, जिसे हम लोग एनआरआई भी बोलते हैं। बोलते हैं ना, आप लोग सुनते होगे कि एनआरआई है वो पर्सन। तो बच्चों उसी तरीके से, ठीक है ना, या तो आप रेजिडेंट इन इंडिया माने जाओगे प्रीवियस ईयर के लिए, या फिर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया यानी एनआरआई शॉर्टकट, और अगर रेजिडेंट हो तो। अब ये रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट किस बेस पे फाइंड आउट किया जाता है? तो बच्चों उसके लिए हम देखते हैं बेसिक कंडीशन, ठीक है। उसके लिए क्या देखते हैं हम? बेसिक कंडीशन। अब सबसे पहले ना मैं एक टाइम स्केल बना रहा हूं, ध्यान से समझना ये टाइम स्केल। ये लो बच्चों, मैंने एक टाइम स्केल बना दिया है और हमारा प्रीवियस ईयर ये है, मान लो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर है हमारा 1920, ठीक है ना, 1920 हमारा क्या है प्रीवियस ईयर 1920। तो बच्चों इसके पीछे का ईयर क्या होगा 1819, ठीक है ना 1819, और उसके पीछे का ईयर क्या होगा 1718, और उसके पीछे का ईयर क्या होगा 1617, और उसके पीछे का ईयर क्या होगा बच्चों 1516, ठीक है ना। तो ऐसे ही पीछे पीछे काफी सारे ईयर आते जाएंगे, पर हमारा जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना, जो हमारा मेन प्रीवियस ईयर है वो ये है बच्चों, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस, ऐसे बहुत सारे प्रीवियस, तो प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीवियस टू प्रीवियस, ऐसे कॉन्सेप्ट चलता रहता है, ठीक है बच्चों। पर ये आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिसके लिए आप अपने स्टेटस को, कौन से स्टेटस को, रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है जिस ईयर के लिए हम अपना रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं वो कौन सा ईयर होता है हमारा, वो होता है हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो मैं अभी आपको बोल रहा था ना वो यही है। तो ये अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स बच्चों हमारा करंट ईयर के लिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर यही है, ठीक है। इसके आगे का कौन सा ईयर होगा ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो होगा हमारा 2021, दैट इज असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, बट क्योंकि आज हमें अपना रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि ये डेट किस तरीके से चेंज होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और ये जस्ट रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के ईयर है, और ये बच्चों ऐसे ही चलता रहेगा 15, 16, तो 14, 15 इस तरीके से, ठीक है ना। लो एक और ड्रॉ कर लेते हैं, 14, 15 और 30, 40, और एक और कर लेते हैं 12, 13। ये बहुत सारे ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बच्चों आपका जो बेसिक कंडीशन है वो क्या कहता है? अगर आप बेसिक कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, मैं अभी बेसिक कंडीशन पढ़ाऊंगा, दिक्कत की बात नहीं। अगर आप बेसिक कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप बन जाओगे रेजिडेंट, ठीक है, और अगर बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो आप बन जाओगे एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट। सर ये बेसिक कंडीशन क्या है? तो बच्चों देखो, बेसिक कंडीशन हमारी फर्स्ट क्या है, बेसिक कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, ठीक है, कह रहा है इफ ही इज इन इंडिया, ठीक है ना बच्चों, एसएससी के बारे में बात हो रही है कि इफ ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स, ठीक है, फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर, ठीक है, इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। बच्चों क्या कह रहा है कि अगर एसएससी प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा, ठीक है, 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, तो बच्चों इसका मतलब वो पहली कंडीशन ये है हमारी, आपका रेजिडेंट बनने के लिए, जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करेंगे ना, तो रेजिडेंट बनने के लिए आपको बेसिक कंडीशन में फर्स्ट या सेकंड, यहां पे ध्यान से देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, और, यानी और का मतलब क्या होता है, या तो इसे फुलफिल कर दो या फिर इसे फुलफिल कर दो, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक। अगर आप बेसिक कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल कर देते हैं
या बेसिक कंडीशन सेकंड को फुलफिल कर देते हैं तो आप बन जाओगे रेजिडेंट, ये बन जाओगे बच्चों। अगर आप दोनों में से किसी भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप बन जाओगे एनआरआई, यानी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। प्रीवियस ईयर के लिए आप एनआरआई माने जाओगे, चाहे आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो। भैया मैंने पहले बताया ना अभी कि बच्चों सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस से, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बेसिक कंडीशन फर्स्ट क्या है कि वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा टोटल पूरे वन ईयर में रहे हैं तो इसका मतलब आपने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी है। अगर आप बच्चों 182 डेज से नहीं रहे या उससे कम रहे तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, आप बेसिक कंडीशन टू को फुलफिल कर दो। ये क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है, ये कह रहा है कि ही इज इन इंडिया फॉर अ 60 डेज, ठीक है बच्चों, 60 डेज और मोर, बच्चों 60 डेज या उससे ज्यादा पर लेस देन 182। अगर 182 डेज हो गए तो आप बेसिक कंडीशन फर्स्ट ही फुलफिल कर रहे हैं ना, ध्यान से समझो। 60 डेज और मोर यानी आप 182 दिन नहीं रह पाए, ठीक है, तो आप बेसिक कंडीशन फर्स्ट को तो फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो हम आपके लिए देखेंगे सेकंड कंडीशन, बेसिक कंडीशन सेकंड। तो बेसिक सेकंड, बेसिक कंडीशन सेकंड क्या है बच्चों, कह रहा है कि 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, 60 डेज या उससे ज्यादा पर लेस देन 182, क्योंकि अगर 182 डेज वाले को लाइक कर गया तो आप बेसिक कंडीशन फर्स्ट को ही फुलफिल कर रहे हैं। तो कह रहा है फीस इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड यानी बच्चों ये कंडीशन भी फुलफिल करनी है कि 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा आप इंडिया में रहे हो प्रीवियस ईयर में, एंड हैज बीन इन 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर ये क्या बोल गया बच्चों, कंडीशन है, अभी समझेंगे ना, मैंने टाइम इसके लिए इसीलिए बनाया था। वो कह रहा है कि आप 182 डेज नहीं रह पाए, पर बच्चों मान लो सपोज आप 180 डेज रहे या 181 डेज रहे या 90 डेज रहे, तो भैया बेसिक कंडीशन टू में चेक किया जाएगा। बेसिक कंडीशन टू क्या कह रही है कि आप 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और जस्ट रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 4 सालों में कितने दिन रहे हो बच्चों, 365 डेज और मोर, ठीक है ना। तो जरा इस कंडीशन, दोनों कंडीशन को जरा समझते हैं टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। ये लीजिए बच्चों बेसिक कंडीशन वन, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, तो अगर आप इस ईयर में, 182 डेज या उससे ज्यादा रहे, 182 डेज और मोर अगर इंडिया में रहे हो प्रीवियस ईयर में, ये आपका प्रीवियस ईयर ही है, तो बच्चों आपने बेसिक कंडीशन फर्स्ट फुलफिल माने जाओगे। और अगर आप दोनों में से, ये और लिखा है बच्चों ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप बन जाओगे रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। मान लो आप फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे, आप सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि बच्चों कि आप 60 डेज और मोर पर लेस देन 182 डेज, ठीक है ना, लेस देन 182 डेज, यानी आप 60 दिन से तो ज्यादा रहे हो पर 182 डेज से कम, तो आप सेकेंड कंडीशन में लाई करोगे। पर वो एक और कंडीशन कह रहा है इसी में कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के, यानी इस ईयर को अगर छोड़ दिया जाए तो बच्चों पीछे के 4 साल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन 4 सालों में, देखो ये लिखा हो ना, 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। भैया रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 सालों में आप कितने दिन रहे हो, 365 डेज और मोर अगर इंडिया में रहे हो, तो हम मान लेंगे कि आपने सेकंड कंडीशन फुलफिल करी है और आप क्या बन गए, रेजिडेंट बन गए। अगर आप दोनों में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आप बन गए एनआरआई, यानी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर है बच्चों, अब जरा ध्यान से समझ लो, ये वाले में कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम बच्चों को, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है।
कि भाई आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज रहे या उससे ज्यादा पर लेस देन 182 डेज और जस्ट जस्ट प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। बच्चों ये रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, इसके पीछे के चार सालों में आप इंडिया में 365 डेज और मोर रहे हो तो हम ये मान लेंगे मतलब आप बेसिक कंडीशन टू को फुलफिल कर रहे हैं। किसको फुलफिल कर रहे हैं? बेसिक कंडीशन टू को, ठीक है ना। तो बेसिक कंडीशन टू, अब इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर दोगे तो आप बन जाओगे बच्चों रेजिडेंट। अगर आप दोनों में से किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर पाए तो आप बन जाओगे एनआरआई, ठीक डन। तो बेसिक कंडीशन का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें रेजिडेंट इन इंडिया बनने के लिए क्या करना है या एनआरआई। तो भैया एनआरआई बनने के लिए कुछ नहीं करना, अगर आप बेसिक कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल करते हो या सेकंड को तो आप बन जाओगे रेजिडेंट। अगर आप दोनों को फिल नहीं कर पाते तो क्या बन जाओगे? एनआरआई, ठीक है, क्लियर। अब अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर आप रेजिडेंट बन गए, अगर आप नॉन रेजिडेंट इन इंडिया हुए यानी एनआरआई हुए तो बात खत्म हो गई, आपका स्टेटस फाइंड आउट हो गया कि भैया ये तो एनआरआई है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के लिए ये पर्सन कौन है? एनआरआई है, ठीक है। बट अगर आप रेजिडेंट बन गए तो बच्चों फिर चेक किया जाता है दोबारा, मतलब एक और कंडीशन इस पे फुलफिल करी जाती है, एक स्टेप आगे और बढ़ा जाता है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट। अब हमें यह पता चल गया कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है ना। नॉन रेजिडेंट ठीक है, अगर रेजिडेंट हैं, अगर पता चल गया कि भैया आप प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंट इन इंडिया है तो हम फाइंड आउट करेंगे कि आप ऑर्डिनरी वाले हो या नॉट ऑर्डिनरी वाले हो, ठीक है ना। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, अब बच्चों हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, तो उसके लिए हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन। क्या देखेंगे? एडिशनल कंडीशन। इनकम टैक्स ने हमें बोला है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट होता है तो फिर आप पता लगाओ कि वो ऑर्डिनरी वाला है या नॉट ऑर्डिनरी वाला है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, हमारी एडिशनल कंडीशन वन। एडिशनल कंडीशन वन क्या कह रही है बच्चों, ध्यान से देखो, कह रहा ही हैज बिन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर। ओहो अच्छा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। बच्चों रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल आप रेजिडेंट यानी ये होने चाहिए, ठीक है। एडिशनल कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रीवियस, ठीक है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल आप रेजिडेंट अगर इंडिया में रहे हो तो आप बेसिक एडिशनल कंडीशन को फर्स्ट को फुलफिल करते हो, ठीक है ना। एडिशनल कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल करते हो एंड बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ एंड और यहां क्या लिखा हुआ था और, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक अगर फुलफिल करते हो तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, पर अगर आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ध्यान से समझ लो, ये भी और ये भी। अब दूसरी बच्चों एडिशनल कंडीशन फर्स्ट क्या है कि पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल आप रेजिडेंट हो, और एडिशनल कंडीशन टू क्या है कि ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज, कितने डेज बच्चों? 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 previous year इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दिया जाए तो पिछले 7 year में, कितने ईयर में बच्चों? 7 year में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 7 year में आप इंडिया में 730 डेज, कितने डेज बच्चों? 730 डेज और मोर, 730 डेज और मोर इंडिया में रहे हो तो आप बेसिक कंडीशन फर्स्ट को भी फुलफिल कर देते हो और सेकंड को भी फुलफिल कर देते हो तो आप बन जाओगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है ना, क्लियर।
तो बच्चों एडिशनल कंडीशन फर्स्ट, एडिशनल कंडीशन टू, दोनों समझ आ गई कि पिछले 10 सालों में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 सालों में किसी भी दो साल आप रेजिडेंट इंडियन इंडिया रहे हो, ठीक है। और एडिशनल कंडीशन टू क्या है कि पिछले 7 ईयर्स में जस्ट प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 7 ईयर में कितने दिन इंडिया में रहे हो, 730 डेज या उससे ज्यादा। अगर एग्जैक्टली 730 डेज में रहे हो तब भी आप बेसिक एडिशनल कंडीशन सेकंड को फुलफिल करते हैं, ठीक है। और अगर आप बच्चों एडिशनल कंडीशन दोनों को फुलफिल करते हो, एडिशनल कंडीशन दोनों को फुलफिल करते तो आप बन जाओगे रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, यानी आप ऑर्डिनरी वाले रेजिडेंट काउंट किए जाओगे प्रीवियस ईयर के लिए इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आप एडिशनल कंडीशन दोनों को फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरी। मान लो आपने एक को फुलफिल कर दिया पर दूसरे को नहीं कर पा रहे हो तब भी आप क्या बन गए, ऑर्डिनरी, ठीक है ना। अगर आपने सेकंड को फुलफिल कर दिया तब भी आप बन गए ऑर्डिनरी, आपने फर्स्ट को फुलफिल कर दिया तब भी आप बन गए ऑर्डिनरी, पर आपने दोनों को फुलफिल कर दिया तो आप बन गए बच्चों ऑर्डिनरी, ठीक है ना। अगर आप एडिशनल कंडीशन दोनों को फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप ऑर्डिनरी वाले नहीं रहोगे, कौन से वाले बन जाओगे, नॉट ऑर्डिनरी। अगर आप एडिशनल कंडीशन दोनों को फुलफिल करते हो तो आप बन जाओगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है ना। तो बच्चों एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूं एक लाइन में, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। अगर आप बेसिक कंडीशन में से दोनों में से किसी एक को भी फुलफिल कर देते हो, बेसिक कंडीशन दोनों में से किसी एक को भी फुलफिल कर देते हो तो आप बन जाओगे रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक। अगर नहीं कर पाते दोनों में से किसी एक को तो आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी NRI, ठीक, क्लियर। अब अगर आप रेजिडेंट बन गए तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आप ऑर्डिनरी वाले हो या नॉट ऑर्डिनरी वाले। तो ऑर्डिनरी वाले बनने के लिए आपको क्या करना है, दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना है, और नॉट ऑर्डिनरी अगर आप दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हो, जैसे आपने एक को कर दिया पर दूसरे नहीं कर पाए, या सेकंड वाली को कर दिया फर्स्ट नहीं कर पाए, तो आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी को फाइंड आउट करने से पहले आपको रेजिडेंट बनना जरूरी है, ठीक है, और नॉन रेजिडेंट अगर आप बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट, और ये 7% जो हमने अपनी पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था, वो पर्सन आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, तो सबके लिए हम ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट और है इसमें बच्चों, एक एक्सेप्शन है इसमें, क्या है, एक्सेप्शन है। सर क्या एक्सेप्शन है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैक्सिमम बच्चे इसे गलत कर देते हैं एग्जाम। आप मुझे बताओ मैंने अभी क्या क्या सिखाया, मैंने आपको जितनी भी चीजें सिखाई उसमें एक बात मैं आप लोगों से करता हूं, ठीक है। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बनने के लिए मुझे क्या करना है, क्लियर, रेजिडेंट बनना है या नॉन। बच्चों मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के लिए मुझे एडिशन बेसिक कंडीशन फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक फुलफिल करना है, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, बेसिक कंडीशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक कंडीशन को अगर मैं फिल कर देता हूं तो मैं रेजिडेंट बन जाऊंगा, अगर दोनों में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता हूं तो मैं बन जाऊंगा नॉन रेजिडेंट, ठीक है। बट बच्चों इन दो लोगों के लिए, ठीक है ना, इन दो कैटेगरी के पर्सन के लिए या लोगों के लिए या सिचुएशन कह सकते हो आप, ये वाली कंडीशन ही देखते हैं, ये वाली कंडीशन को नहीं देखेंगे। सर मतलब फिर से समझा दो, समझ नहीं आया ये तो। बच्चों ध्यान से सुनो, हम सभी पर्सन का रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट फाइंड आउट करने के लिए बेसिक कंडीशन वन और बेसिक कंडीशन टू चेक करते हैं, ठीक है ना। अगर हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक कंडीशन वन, अगर वो उसे फुलफिल नहीं कर रहा तो हम चेक करते हैं कि क्या वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम उसके बेस पे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर देते हैं। बट बच्चों इन दो कैटेगरी के पर्सन के लिए या सिचुएशन कह सकते हो आप, हम बेसिक कंडीशन वन के बेस पर ही
इनका रेजिडेंशियल स्टेटस यानी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी हम सेकंड कंडीशन को नहीं देखेंगे, ठीक है, उन दो कैटेगरी के लिए। ये बच्चों हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है, नॉर्मल सबके लिए चेक करेंगे, पर इन दो लोगों के लिए हम सिर्फ बेसिक कंडीशन, जब हमें रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो हम बेसिक कंडीशन टू को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ किसको देखेंगे, फर्स्ट को। अगर वो फर्स्ट को फुलफिल कर रहा है तो बन जाएगा रेजिडेंट, अगर नहीं कर रहा है तो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम दोनों कंडीशन में चेक करते हैं ना, पर इन दो लोगों के लिए बच्चों ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये दो लोग कौन है, पहला पॉइंट देखो बच्चों, बच्चों वो पर्सन, ठीक है, ध्यान से देखो, वो पर्सन जो इंडिया छोड़कर जा रहा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, वो पर्सन जो इंडिया छोड़कर जा रहा है प्रीवियस ईयर में फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, ठीक है ना, किसके पर्पस से, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, कि वो भैया इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में क्योंकि उसकी जॉब लग गई है फॉरेन कंट्री में। कहां लग गई है, फॉरेन कंट्री में, ठीक है ना, आउटसाइड द इंडिया। तो फॉरेन कंट्री भी ना बोले तो हम आउटसाइड द इंडिया। अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़कर जा रहा है, यानी आउटसाइड इंडिया जा रहा है, किसके पर्पस से, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस से, ठीक है ना। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली ये पर्सन भी उसी कैटेगरी में आएगा जो बच्चों क्रू मेंबर होते हैं ना, जो शिप वगैरह होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं वो भी, क्योंकि बच्चों जो शिप है वो इंडिया से आउटसाइड ही जाता है, ठीक है ना, किसी भी पर्पस से जा सकता है। तो अगर आप क्रू मेंबर हैं तो उनके लिए भी यही कैटेगरी अप्लाई होती है, क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर में इंडिया को लीव, आउटसाइड इंडिया जा रहे होते हैं। तो बच्चों ये दो कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है ना, अभी ये एक ही कैटेगरी है, अभी एक और कैटेगरी बताऊंगा, ठीक है। इनके लिए हम बेसिक कंडीशन वन के बेस पर ही इनका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करेंगे, सेकंड कंडीशन को नहीं देखेंगे, ठीक। अब ये दूसरा कैटेगरी कौन है बच्चों, ये इंडियन ओरिजिन पर्सन, ठीक है ना। इंडियन ओरिजिन मतलब बच्चों जिनके फादर ने या उनके ग्रैंडफादर ने अनडिवाइडेड इंडिया में, किसमें, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न लिया हो, जन्म लिया हो, यानी बच्चों 1947 से पहले, इंडियन ओरिजिन, ठीक है। दैट मींस कि अगर बच्चों कोई पर्सन पाकिस्तान में भी बॉर्न हुआ हो, एज पर करंट सिचुएशन पाकिस्तान, बट बच्चों अगर मैं बात करूं 1947 से पहले की तो वो तो पूरा इंडिया ही था, ठीक है ना। तो अगर उसमें उसने बॉन्ड लिया है, वो इंडिया आ रहा है और वो कह रहा है कि मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करो क्योंकि उसने इंडिया में इनकम अर्न करी है, तो हम उसके लिए बेसिक कंडीशन वन ही देखेंगे, सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे, ठीक है, इन दो कैटेगरी के लिए। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, पहला कि वो पर्सन जो इंडिया से आउटसाइड जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए प्रीवियस ईयर में, तो हम उसके लिए बेसिक कंडीशन वन के बेस पे ही उसका स्टेटस फाइंड आउट करेंगे, सेकंड कंडीशन को नहीं देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो क्रू मेंबर होते हैं बच्चों, जो शिप वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, यानी हम बेसिक कंडीशन वन के बेस पे ही उनका स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब बच्चों दूसरा पर्सन कौन है, जो इंडियन ओरिजिन का है, जिसने इंडिया में बॉन्ड लिया, इसमें बच्चों वो पर्सन भी आ जाते हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉन्ड लिया, यानी 1947 से पहले, ठीक है। दैट मींस को वो अभी पाकिस्तान में रह रहा है उसके ग्रैंडफादर, और वो शिफ्ट हो गए बच्चों कहीं और, वो इंडिया में विजिटिंग के लिए आ रहा है, किस पर्पज से आ रहा है, विजिटिंग पर्पज से, घूमने के पर्पज से। तो उसका भी जो हम स्टेटस फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एडिशनल कंडीशन टू चेक नहीं करेंगे, बेसिक कंडीशन टू चेक नहीं करेंगे बच्चों, सिर्फ बेसिक कंडीशन वन के बेस पे ही उसका स्टेटस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। अब आप लोगों को स्टेटस फाइंड आउट करना पर आ गया होगा। इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स क्या कहता है, कि भैया आप किसी भी असेसी का जो कंप्यूटेशन करोगे ना इनकम टैक्स का, वो बाद में करो। अच्छा, वो क्यों करें, हमें टैक्स लेना नहीं, नहीं करो, हमने मना नहीं किया है, करो, पर वो बाद में करो, सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करो। और रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए ये हमारी बेसिक कंडीशन वन एंड टू वर और टू,
और बच्चों एडिशनल कंडीशन वन एंड टू को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक कंडीशन वन टू आप लोगों को अच्छे समझ आ गई, और एडिशनल कंडीशन वन और टू तो बच्चों ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों रेजिडेंट स्टेटस का जो बेस था, यानी किस बेस पे हम अपने स्टेटस को चेक करते हैं या फाइंड आउट करते हैं किसी भी एसएससी के स्टेटस को, वो कंडीशन थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके। तो प्लीज प्लीज आप तब तक इस कंडीशंस को बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे लैंग्वेज में लिखी हुई है उसी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद।